नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक। अगर आप बिगिनर हो देन यू शुड एब्सोल्युटली ट्राई इट। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल यू आर वॉचिंग रैवीज फैशंस एंड आई एम स्वर्णाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपलोड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एज अ प्राइमर एंड एज अ यू नो मॉइस्चराइजर। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है रोज मलबेरी जेल। इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे है तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये मैंने पर्पल से ऑर्डर किया था। ठीक है, अच्छी तरह अपने फेस को मैं मसाज कर लूँगी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेकअप। बहुत ही सिंपल सा मेकअप है तो इसके लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाला है एंड क्विक होगा। जो भी मेकअप हम करेंगे वो क्विक होने वाला है। जिनके फेस में पिगमेंटेशन है मेरी तरह, चाहे वो रेडनेस हो मेरी तरह, यू नो डार्क ब्लैक काइंड ऑफ पिगमेंटेशन हो, उन लोगों के लिए करेक्टर यूज़ करना लाइक इट्स अ परमानेंट थिंग। यूज़ इट लाइक वेन एवर यू आर डूइंग द मेकअप। ठीक है, प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर लीजिए यूजिंग दिस करेक्टर। डायरेक्टली कभी भी बेस मेकअप या फिर कंसीलर यूज़ मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लाइक आई हैव ब्राउन एंड डार्क पिगमेंटेशन तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर मुझे सूट करता है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। एंड आई हैव यूज्ड हियर NYB ऑरेंज करेक्टर। आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग हियर इज़ ओलिविया पैनकेक। ओके, एंड इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे अपडेटेड है तो आप चेकआउट कर सकते हो। समर सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा यू नो इट्स नॉट वेरी यू नो ऑयली और ड्यूई, इट्स रैदर वेरी मैट एंड ऑल्सो ड्राइंग। इसके बाद आपको लाइक फेस पाउडर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही अच्छी तरह आपके ये फेस में लाइक मैं कैसे कहूँ बैठ जाता है। बट मेक श्योर you use a beauty sponge, your own beauty sponge, rather than using the sponge that is provided by the company जो मिलता है वो मत यूज़ कीजिए। ठीक है, ओके, आईज़ के लिए भी मैंने डायरेक्टली कर लिया। अभी हम अपने आईब्रोज को सेट करेंगे। पूरे मेकअप के लिए मैं यही एक पैलेट यूज़ करूँगी, दिस इज़ जैकलिन हिल पैलेट, एंड इसमें जो ब्लैक शेड है उसी को यूज़ करूँगी ऑन माई आईब्रोज एंड बहुत ही स्लीक सा एक आईब्रो ड्रॉ करूँगी। अगेन लाइक बहुत दिन हो गया है, अगेन आई हैव टू डू माई आईब्रोज, बट येस अगर आप अच्छी तरह ड्रॉ करोगे देन इट वॉन्ट लुक सो बैड। यू कैन सी मैंने दोनों आईब्रोज को ड्रॉ कर लिया है। ब्राउन शेड लूँगी यहाँ पे, आप डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर लो, लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर लो, मीडियम शेड यूज़ कर लो। ठीक है, बट एक ब्राउन शेड यूज़ करूँगी एंड ऑन द आउटर कॉर्नर्स एंड ऑन द इनर कॉर्नर्स बोथ साइड्स में अप्लाई करूँगी, बट मिडिल ऑफ माई लीज मैं अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल रखेंगे आई मेकअप को, स्पेशली इवन ऑन द लोअर आईलिड्स आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी आई शेडो। ठीक है, कोई भी काजल यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ड्यूरिंग द समर सीजन ऑफन इट हैपन्स दैट काजल स्मज हो जाता है, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप काजल को यहाँ पे लाइक आप इस मेकअप को फॉलो कर सकते हो बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड एनी काजल और एनी थिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटू सा ब्रश ले रही हूँ एंड इनर कॉर्नर्स पे सेम ब्राउन आई शेडो को मैं अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग हियर अ गुड अमाउंट ऑफ ब्लश। दिस मेकअप इज़ मेनली कंसनट्रेटिंग ऑन लाइक फेस मेकअप रादर दैन ऑन आई मेकअप। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है मैंने जो ट्राई किया है। आई फेल्ट इट इज़ वेरी क्यूट एंड अगर आप स्पेशली ड्यूरिंग दिस समर हॉलीडेज ना, बहुत लोग घूमने जाते हैं स्पेशली पहाड़ों में, वहाँ पे आप ये वाला मेकअप ट्राई करके देखो। बहुत ही सिंपल, यू नो काफ़ी ज़्यादा मैं कैसे कहूँ वो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा सिंपल येट गॉर्जियस सा एक मेकअप लुक लगेगा। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, दिस इज़ अ कलर चेंजिंग लिपस्टिक। ये मैंने अमेजन से लिया था स्पेशली फॉर माय एवरीडे यूज़। ये कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग इट। एक्चुअली आई यूज्ड इट एज अ ब्लश दिस टाइम। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से लिप्स को शेप दिया है एंड दैट्स इट। दिस इज़ अ रेड कलर एंड आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम एलेटीन। ठीक है, तो अफोर्डेबल है काफ़ी ज़्यादा। एलेटीन का जो सीरीज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा। आप कोई भी रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप पिंक मॉफ पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लिप्स को ब्राइट रखा है बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑब्वियसली मैट इट डाउन। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्लॉसी रखा है। इफ़ यू डोंट लाइक टू बी ग्लॉसी देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर द मैट ऑल्सो। ठीक है,
यहाँ पे मैंने कोई भी काजल यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे एक बहुत ही, आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर लिया है एज अ लाइनर विद द लैक्मे काजल एंड रेगुलर जो लैक्मे का काजल है. एंड आई हैव यूज्ड मस्कारा ऑन माय अनदर थिंग, मस्कारा जब आप यूज़ करो तो आप अच्छी तरह 2 to 3 coats अच्छी तरह विगल करते हुए आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है. क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी फॉल्स आई लैशेज यूज़ नहीं करेंगे. फॉल्स आई लैशेज स्पेशली फॉर पार्टीज यू नो, बट दिस मेकअप इज़ नॉट फॉर पार्टी. दिस इज़ लाइक अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हो, या फिर यू नो हॉलीडे में आप कहीं पे घूमने जाओगे, सो डे टाइम में अगर आप बहुत हैवी मेकअप लुक करोगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता. दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेकअप लुक एंड यू कैन डू इट लाइक वेरी क्विक. That is all I wanted to say in this video, guys. कोई भी queries है, कोई भी request है, feel free to comment in the comment section box. I will come back with another video. Till then, bye bye, take care and love you all.